लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये राजनगर की रियासत का राजमहल है। इसके राजा हैं श्री धर्मराज सिंह जी। इनकी पत्नी राधा इनकी हर समस्या में हाथ बटाती हैं। राधा एक बेटे की माँ और दूसरी औलाद को जन्म देने वाली थी। एक दिन दीवान कुबेर सिंह घबराए हुए आया और धर्मराज से कहने लगा कि सरकार सारी रियासतों को खत्म करने वाली है, इसलिए फौरन सारे गहने हीरे जवाहरात मुल्क से बाहर भेज दिए जाएं। राजा धर्मराज ने अपने बेटे के साथ बाहर जाने का फैसला कर लिया। कुबेर सिंह ने दादा को अपने साथ मिलाया राजा की दौलत हड़प करने के लिए। राजा धर्मराज सिंह ट्रेन से बंबई के लिए रवाना हुए। कुबेर सिंह का प्लान कामयाब रहा। गहने और जेवरात उसके हाथ लग गए। बस करो बहन, ये तो तकदीर का खेल है। बदनसीब का एक सैलाब आया और तुम्हारे पति और बच्चे को बहा के ले गया, लेकिन फिर भी तुम्हें जीना होगा। अपने उस बच्चे के लिए जिसने दुनिया में जन्म नहीं लिया है, तुम्हें जीना होगा बहन, तुम्हें जीना होगा। और इस करोड़ों की जायदाद के लिए जीना होगा। कुबेर जी, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने राजा और उसके बेटे को खत्म कर दिया। लाइए मेरा इनाम। इनाम चाहिए? अभी देता हूँ। किस्मत से राजा का बेटा बच गया। माँ बाप बिछड़ गए, मगर एक रहम दिल औरत ने उस बच्चे की परवरिश करने का फैसला कर लिया। अरे अपने पास खाने को कुछ नहीं और इसको तीन वक्त पेट भर के खाना चाहिए। उतारो इसके हाथ की अंगूठी और गले का हाथ और धक्के मार कर निकालो इस कुत्ते को। चल बे, निकल बाहर। सौतन की औलाद, मैं अपने बच्चों को खिलाऊं या तुझे? जैसे तेरी माँ मर गई वैसे ही तू भी मर बाहर जाता। चल निकल। क्या नाम है तुम्हारा? वीरू। और तुम्हारा? राजू। अच्छा ये बताओ, घर में किसी ने मारा क्या? हाँ हाँ, मेरा कोई कसूर नहीं था, फिर भी मारो। बड़े ऐसे ही होते हैं। हम एक काम करते हैं, हम दोनों ये गांव छोड़ के शहर चलते हैं। आओ। स्कूल में पढ़े तो कितना अच्छा होगा। हाँ बहुत अच्छा, लेकिन पैसा? अरे हाँ, एक काम करते हैं, एक मेहनत करके पैसा कमाएगा और दूसरे को पढ़ाएगा। तो तुम पढ़ो, मैं काम करूँगा। नहीं नहीं, तुम उससे छोटा है, तू पढ़ेगा मैं काम करूँगा। नहीं 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 नहीं, मैं काम करूँगा। नहीं, मैं काम करूँगा, तू पढ़ेगा। इस झगड़े का फैसला हम भगवान पे छोड़ते हैं। चलो। हम दोनों दीप के सामने आंखें बंद करके हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करेंगे। जब हम आंख खोलेंगे, जिसका दीप बुझा हुआ होगा वो काम करेगा और दूसरे को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। मेरा दीप बुझ गया, तेरा जल रहा है। ये तो भगवान का फैसला है। कल से तू पढ़ाई शुरू कर और मैं मेहनत मजदूरी शुरू करता हूँ। अच्छा!
दीजिए। ए ड्राइवर, यहाँ कोई लौंडी आई है क्या? ए, पीछे लौंडिया नहीं है, किधर है? अच्छा उधर है। ए, कहाँ है छोकरी? उल्लू बनाता है। अबे तू कौन होता है मारने वाला? मेरा नाम राजू है राजू, और ये है मेरी बेंज गड्डी। 100 मील की स्पीड से भगाता हूँ, और तुम जैसे गुंडों को 200 मील की स्पीड से कम नहीं भगाता। अरे इतना ही नहीं, हमारे ग्रुप मार धाड़ की फिल्म पहला वीक, पहला दिन, पहला शो देखते हैं, और बाहर निकलकर तुम जैसों पे प्रैक्टिस करते हैं। गुरु, इनको यकीन नहीं आ रहा है, थोड़ा सैंपल दिखा दो। कौन सा सैंपल? शोले का गरम गरम पैतरा दिखाओ। शोले का गब्बर सिंह, ये है शोले का गरम गरम पैतरा। बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ पर अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर आई थी, अकेली घूमने निकली तो भटक गई, और न जाने कहाँ से ये गुंडे लोग मेरे पीछे आ गए और मेरे पीछे मोटरसाइकिल दौड़ाने लगे, और मैं डरी और मैं भागी, और मैं भागते भागते आपसे। ब्रेक तो लगाइए, मैंने क्या किया, ये सब ऊपर वाले का चमत्कार है। ये गुंडे आपके पीछे पड़े थे, आप यहाँ आ गए, मैंने आपकी मदद कर दी। वो एक्टिंग करवा रहा था, मैं एक्टिंग कर रहा था, और मैंने क्या किया है? अरे बॉस, इस मारा मारे में तुमने उन लोगों को पोस्टर की तरह चपटा तो कर दिया, लेकिन अपने भी वादे कर दिए। अरे बॉडी लेंथ एकदम खलास हो गई, और इंजन पे भी फटके पड़े। मुझे तो नहीं लगता कि गाड़ी धोखे से भी आगे चली। अरे मरे यहाँ पर। एक मिनट, घबराओ मत। देखिए आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ शहर चलकर मैकेनिक को बुला कर लाइए, इन्हें यहाँ पर रखिए, वो आके गाड़ी ठीक कर देगा। अब तो यही करना पड़ेगा। तू एक काम कर, ये अपने पास रख, कोई और ना आ जाए। अब चलिए। मीना को जान से मरवाने के लिए इसने आदमी भेजे थे, इससे जिसकी शादी होने वाली है ये उसका खून करवाना चाहता है। सीधा पूछो इसे। सर जी, नागेंद्र जी, आपके पिताजी पूछ रहे हैं, आपकी खोपड़ी में भेजा है कि आग फूटने से वो भी निकल गया जी। अबे चुप, वो कहती है कि मुझसे शादी नहीं करेगी, तो क्या मैं चुपचाप एक आंख से तमाशा देखता रहूं? बड़े आए मुझे अक्कल सिखाने वाले, नाम कोबरा रखकर भैंस की तरह बड़ी बड़ी मूंछ उगाने से काम नहीं चलता है। है कोई जवाब? पूछ इनसे। अबे खोंचू का पूछ। सर जी, कोबरा जी, नागू जी कह रहे हैं कि भैंस के सींग की तरह मूंछे उगाने से काम नहीं चलता है जी। मैं दिखाता हूँ मूंछ का कमाल। मैं देखता हूँ वो लड़की इससे शादी कैसे नहीं करती। मगर अफसोस इस बात का है कि मेरे घर में ऐसी औलाद शक्ल की काणी अकल की अंधी पैदा कैसे हो गई। घसीरा पूछो से। सर जी, नागू जी, इनके घर में आप जैसी काणी और अकल की अंधी औलाद कैसे पैदा हो गई जी? छी, ये देखो मेरे बाप है और पूछने की मैं पैदा कैसे हुआ? अबे घोंचू के, इनसे ये पूछ कि ये मेरे बाप है कि और कोई है। सर जी, कोबरा जी ये पूछ रहे हैं जी कि आप इनके बाप है जी या कोई और है जी? घसीटा जी, अब अगर तूने एक शब्द भी कहा तो तेरा जबड़ा फाड़ के तेरे मुंह का चमड़ा निकाल के गटर में फेंक दूंगा। घसीटा, इससे कहो मैं और हरी मिलकर शहर में स्मगली का काम संभालते हैं, इसको जंगल में जानवरों की स्मगली का काम सौंपा गया था, ये शहर में क्या कर रहा है? इसे कहो जाए। हां जाता हूं, ऐसे बाप से तो जंगल के जानवर अच्छे हैं, कह देना इनसे। सर जी,
ये कह रहे हैं कि आपसे अच्छे तो जंगल के जानवर हैं जी। लुकिया पड़ने को जरूरी है जो बकवास वो करता तू दोहराए? नहीं जी। दोबारा दोहराया तो मैं अपने दांतों से तेरा गला चबा के सारा खून पी जाऊंगा। ओबरा जी। चलो देखें तो सही कि हमारे छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने प्यारे भाई हरी क्या कर रहे हैं। चलो हरी 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 कौन? माई नेम इज फादर हैरी, हैरी पीटर जॉर्ज डेविड फर्नांडिस, फादर हैरी, मे द मर्सी ऑफ द लॉर्ड बी अपॉन यू, आमेन। गॉड का हाथ तुम्हारे सर पे रहे। हो गया? हाँ। हरी मेरे छोटे भाई, ये रोज नए नए होली अपना कर मुझे क्यों परेशान करता है, क्यों सताता है? माई डियर ब्रदर, मेरे प्यारे बड़े भाई, माँ बाप अपने बच्चों को सिखाने के लिए लंदन भेज देते, आपने अपने बच्चे जैसे भाई को सिखाने के लिए लंदन नहीं भेजा, लंदन से भी दूर भेज दिया, अमेरिका भेज दिया आपने। और क्यों, कोई किताबें सीखने के लिए नहीं भेजा? आपने स्मगलिंग के नए नए तरीके सीखने के लिए मुझे भेजा वहां, आपकी वजह से माफिया में भर्ती होना पड़ा मुझे। और प्यारे भाई, माफिया की पहली किताब का रूल है पेज नंबर वन, सेंटेंस नंबर वन, पैराग्राफ नंबर वन, वर्ड नंबर वन, आइडिया नंबर वन, कि कभी भी पुलिस से बचने के लिए इंसान को हमेशा किसी दूसरे रूप में आना चाहिए, अपनी असली शक्ल छुपानी चाहिए। फैंटास्टिक आइडिया। हाँ मालूम है, रोजाना हजारों रुपए खर्च करके कार्टून जैसे हुलिया बदलता रहता है। अरे सिर्फ हुलिया बदलेगा या काम भी करेगा? हम काम ही तो करने जा रहे हैं, हमारे हीरे चर्च में आ रहे हैं और चर्च से यहां लेके आएंगे फादर हैरी। आमन। मे द लॉर्ड सॉरी गॉड का हाथ हमारे सर पे हो। आमेन। लवली लवली, वाह 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 वाह, कोबरा जी आपके भाई साहब ने भी क्या भेजा पाया है जी। हम भी अगर उनकी तरह हुलिया बदल लें जी, आप सिर पर मुकुट रखकर हाथ में तलवार लेकर राजा बन जाएं जी और मैं आपका मंत्री जी, तो कैसा रहेगा जी? तो शहर भर के कुत्ते हमको देखकर भौंकेंगे जी, बच्चे पत्थर मारेंगे जी, पुलिस उठाकर जेल में बंद कर देगी जी, होना है जी? नहीं जी। शराब जी, शराब है जी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने वक्त पर पहुंचकर मेरी मीना को बचा लिया। तुम्हारे एहसान का बदला मैं किस तरह चुकाऊं? माँ जी ब्रेक लगाइए, ब्रेक क्लच प्लेट जल जाएगी, ऊपर वाले की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो मैं करने वाला कौन हूँ, मैं चलता हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। अच्छा जो। मीना क्या हुआ? पता चला कुछ गुंडे तुम्हारे पीछे पड़ गए थे, तुम्हारी जान पे हमला किया और पता चला कि लॉरी ड्राइवर ने तुमको बचाया। अब तुम पूछोगे मुझे कैसा पता चला, तो मुझे मेरे आदमी ने बता दो मैं भाग के आया। लगता यही वो लॉरी ड्राइवर है। ये लो। तुम फिर पूछोगे मुझे कैसा पता चला लॉरी ड्राइवर, इसकी शक्ल से पता चलता है कि लॉरी ड्राइवर है। देखो लॉरी ड्राइवर साहब, तुमने हमारी बेटी की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, अगर हम सारी दुनिया की दौलत इकट्ठा करके तुम्हारे कदमों पर रखें तो भी कम है, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं इसका मतलब नहीं कि हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, देंगे। ये 500 रुपए रखो, हम किसी का ब्रेक लगाइए साहब, ब्रेक। आप एक्सीलेटर कुछ ज्यादा ही दबाते जा रहे हैं, ज्यादा ही। देखिए ये रुपया ही फसाद की जड़ है, किसी कमीने आदमी ने पैसे देकर उन गुंडों को इन्हें मारने के लिए भेजा होगा और उन गुंडों ने पैसे के लालच में इन्हें मारने की कोशिश की। मैंने तो बगैर किसी पैसे के लालच के इन्हें बचाया है, अगर आपके दिए ये पैसे मैं ले लूं तो मुझ में और उन कमीनों में फर्क क्या रहा? कमीने कमीने। मेरे ख्याल में ये रुपए इनके सर पे वार के किसी फकीर को दे देने चाहिए। सारी दुनिया मुझको फकीर समझती, मैं क्या फकीर लगता हूं जी? नहीं जी। मीना जी, दौलत के हाथ बड़े गंदे होते हैं, दिल से दोस्ती के निशान मिटा देते हैं। बस आप मुझे एक दोस्त और एक इंसान के नाते याद रखिए। जरूर राजू। वाह 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 वाह, क्या आदमी है जी। अरे ऐसे आदमी को तो 500 रुपए क्या जी, 1000 रुपए देने चाहिए जी। अरे कंजूस है जी, लाइए 500 रुपए, मैं देकर आता हूँ जी। मुझे मालूम है, तुम उसे 500 रुपए दोगे वो तुम्हारे मुंह पे मार देगा, तुम मुंह से निकाल के जेब में रख लोगे। वो तो करूंगा जी। खामोश, फॉलो मी। महाकंजूस जी, फॉलो मी। क्या कहा? और उधार चाहिए 10,000? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पिछला कर्जा तो चुकाया नहीं, अगले कर्जे के लिए हाथ फैला रहा है। बिल्कुल नहीं है, जब तक पिछला कर्जा नहीं चुकाएगा अगले कर्जे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं बता रहा हूँ। ओ सेठ जी, इतना भड़क क्यों रहे हो? राजू ने तुमसे उधार लिया है, अपने आप को तुम्हारे पास गिरवी नहीं रखा जो इतने लाल पीले हो रहे हो। हाँ कितना कर्जा है बताओ मुझे, मैं अभी लाकर तुम्हारे मुंह पर मारती हूँ। अरे मीना जी, मीना जी, आप क्यों मेरा कर्जा अदा करेंगी? सर देखो, एक महीने की मोहलत दे दो, मैं दिन रात गाड़ी की फेरी लगाऊंगा और तुम्हारा कर्जा तुम्हारी पैरों पे डाल दूंगा। ठीक है ठीक है, एक महीने के अंदर पैसा नहीं लौटाया तो देख लेना। शैतान, तुमने ऐसा क्यों किया राजू?
तुमने तो कहा था कि इंसान को मुसीबत में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, और आज जब मैं तुम्हारा साथ देने लगी थी तो तुमने मदद लेने से इंकार कर दिया। ब्रेक लगाइए, जोर से ब्रेक लगाइए, ब्रेक लगाइए। मेरा बॉस वो लॉरी है जो बगैर पेट्रोल के चलती है, और अगर उधार का पेट्रोल ले लो तो लॉरी बंद पड़ जाती है। ये बड़ा ही खुददार आदमी है, इसने अपनी जिंदगी क्लीनर से शुरू की और फिर ड्राइवर बना और मेहनत करते करते इस लॉरी का मालिक बन गया। अच्छा, और यही नहीं बल्कि इसने अपने दोस्त वीरू की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी अपने सर पे ले रखी है। अच्छा, हाँ। ये वीरू कौन है राजू? वीरू शब्दों में समझाना तो बहुत मुश्किल है, बस ये समझ लीजिए कि वीरू मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरी जिंदगी है, मेरा मकसद है। आजकल वो बहुत बड़ा ऑफिसर बनने वाला है। अब देखिए जिस तरह मिनिस्टरों की देखभाल के लिए ना आगे पीछे पुलिस घूमती है, आजकल सुना है वीरू के आगे पीछे उसकी देखभाल के लिए पुलिस घूमती है। रुको 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 वीरू, रुको। थक गए मोटे अंकल? दरअसल मैं तुम्हारी चर्बी उतारने के लिए तुम्हें भगा रहा था ताकि तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाए। हम मोटा है तो तुमको क्या तकलीफ है? तकलीफ मुझे नहीं तुम्हें होगी। अगर तुम इस पेट की वजह से भागते हुए मुजरिम को नहीं पकड़ सके तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। आई कोई भाग के दिखाए, हम हिरन के मावी छलांग मार के पकड़ूंगा। हैं? अरे छोड़ो मोटे अंकल, तुम क्या पकड़ोगे? ठेंगा। तुम्हें देखना चाहो? हाँ। वो दीवार पे चढ़ो, अब तुमको पकड़ेगा। हाँ। तो पकड़ के दिखाओ। अब तुम बहुत जल्द असिस्टेंट जेलर बन जाओगे। आंटी बहुत लकी है। ओ? मोटे अंकल, हा? अगर मैं उस दीवार पर चढ़ जाऊं तो? चढ़ो चढ़ो, हम तुमको फिर पकड़ेगा। अभी आप असिस्टेंट जेलर नहीं, जेलर बन जाओगे। आंटी बहुत लकी है। मोटे अंकल, फर्ज करो मैं उस ऊंची दीवार पर चढ़ जाऊं और तुम मुझे पकड़ लो तो तुम सुपरिटेंडेंट बन जाओगे। आंटी खुशी से पागल हो जाएगी, तुम्हारे घर में गाड़ी आ जाएगी, दौलत आ जाएगी, जेवर आ जाएंगे। तुम जल्दी दीवार पर चढ़ो, हम तुमको पकड़ेगा। लेकिन मोटे अंकल, वो बांबू तो दो ना। क्या देखता है रे, वो बाबू लेके आओ साहब को। तो आइए साहब, झुकना। शाबाश, इधर ला, इधर ला, इधर ला, इधर ला। ये मोटे अंकल, दीवार पे चढ़ रहा हूँ, पकड़ लेना नहीं तो सुपरिटेंडेंट क्या हवालदारी से भी जाओगे। ये बजरंगबली। अरे 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 अरे, हवालदार का वो तो भाग गया। Hands up, don't move Miss Laila. मैं तुम्हें हीरो की स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। Hands up. मेरे हाथ में 38 बोर का रिवॉल्वर है जिसकी नाली तुम्हारी रीढ़ की हड्डी की तरफ है। अपना रिवॉल्वर मुझे दे दो। चलो। सॉरी इंस्पेक्टर, मुझे छोटे मोटे चमचों से खेलने की आदत है। चलो लैला, बैठो अंदर जल्दी। हिलने की कोशिश की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा।
अपना वीरवार है, चला अपना वीरवार है। नीचे उतर, देख जल्दी से घर की सफाई कर दे, किचन चमका दे, एक एक चीज चमका दे, वो देख के चकाचौंध हो जाए। कम ऑन वीरू, हरी साहब। हरी, हरी कौन? हम हैं तांडव आचार्य, नृत्य सम्राट, बिच्छू महाराज, जल तरंग तीन ताल वाले। बालिके, क्या यही है वो वीरू? नहीं नहीं महाराज, मैं विश्व चक्र विघ्नेश्वर विजय वीर कृष्ण का अवतार हूँ। अति सुंदर, अति सुंदर, हम बहुत प्रसन्न हुए। आओ आओ, चलो। नैनों के डोरे लाल करने के लिए, अपने आप को थोड़ी देर के लिए बेहाल करने के लिए सोमरस की दूध जाम हो जाए, हमारी मित्रता इसी से आरंभ होती है। चेयर्स। चेयर्स। प्रिय मित्र वीरू, हमारी लैला ने तुम्हारी वीरता की लीला के बारे में हमें सब कुछ बता दिया, मगर तुम बताओ तुम करते क्या हो? पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, स्मगलिंग कर सकता हूँ, बेईमानी कर सकता हूँ, और बच्चे तो एक तरफ, माँ बाप को गायब कर सकता हूँ, अगर जरूरत पड़े तो मैं खून भी कर सकता हूँ। हम बहुत खुश हुए, हमारा मन भीतर ही भीतर मोर की तरह प्रसन्न होकर नाचने लगा। नृत्य सम्राट वीरू से, जो जुर्म की दुनिया का सम्राट है, चाल चलने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे दांत उखाड़ कर उन्हें एक घुंघरू बनाकर तुम्हारे पैरों में बांधकर तुम्हें जिंदगी भर नचाता रहूंगा। अरे 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 मेरे दोस्त, नाराज क्यों होते हो भाई? हम तो सिर्फ तुम्हारी वीरता की चतुराई का इम्तिहान ले रहे थे, तुम पास हो गए हो, बैठो, आज से तुम हमारे साथ हो, बैठो। ठीक है, अगर मुझे अपने साथ मिलाना है तो एक बात का ख्याल रहे, मुझे कोई लल्लू पंजू काम मत देना, वो काम देना जो नामुमकिन हो, और फिर देखना जुर्म की दुनिया के सम्राट वीरू का कमाल। तो मिलाना हाथ।